नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस ने छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे दी है। राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इसकी पुष्टि रायपुर एम्स ने की है। इस पुष्टि होने से सरकार में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। एम्स अधीक्षक करण पिपरे के मुताबिक रायपुर के पॉश कॉलोनी की रहने वाली युवती लंदन से इंदौर होते हुए 15 मार्च को रायपुर पहुंची है। जब वो रूटीन चेकअप कराने बुधवार को एम्स पहुंची तब सैंपल में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। फिलहाल मरीज और उनके पूरे परिवार को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रुपेश गुप्ता हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश रुपेश रायपुर में पहला कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, इस मरीज के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई और तमाम मंत्री और अधिकारी उसमें बैठक में शामिल थे। आपदा प्रबंधन की बैठक थी और इसमें साफ निर्देश दिए गए सभी जिले के कलेक्टर्स और एसपी को कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें, अपनी ओर से तैयारी रखें कि कोई आपात स्थिति डेवलप होती है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन इससे पहले काफी तैयारियां हालांकि कर रखी थी और एम्स एक सेंटर ऐसा बनाया गया था जहाँ पे आइसोलेशन की सुविधा थी। तो बताया ये जाता है कि ब्रिटेन से ये लड़की आई थी और इसकी जाँच पॉजिटिव आई तो उसके बाद प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने भी आपात बैठक बुलाई और उसके बाद कई फैसले लिए। सबसे पहले पूरी समता कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से जो लोग उस कॉलोनी में रहते हैं अब अपने आप को घर में रखेंगे क्योंकि स्थितियां खराब हो सकती है। इसके अलावा पूरे रायपुर और बीरगांव जो कि रायपुर से लगा हुआ नगर निगम का क्षेत्र है, इन दोनों नगर निगम के तमाम क्षेत्र में धारा 144 इम्पोज कर दी गई है, यानी कि भीड़ कहीं भी इकट्ठी नहीं होगी। इसके अलावा तमाम धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। तो ये तमाम कवायद इस घटना के सामने आने के बाद की गई है, लेकिन तैयारी पहले से कर रखी गई थी और उसी के मद्देनजर ये तमाम मेजरमेंट लिए गए हैं। इसके अलावा जो एक और भीड़ होती थी मंत्रियों के बंगले में, तो सरकार की ओर से निर्देश आ गया है कि कोई भी मंत्री अब 25 तारीख तक किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेगा। ये सावधानियां बढ़ती जा रही है लेकिन संभावना इस बात की है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो प्रशासन उस स्तर पर भी तैयार रखे और लॉकडाउन जैसी स्थिति पूरे प्रदेश में या फिर उस एरिया में। अब हमारे साथ में CMHO मीरा बघेल हमारे साथ में जुड़ गई है। मीरा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मीरा जी? हाँ जी जी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लाख कोशिशें के बावजूद इसके अब राजधानी रायपुर में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिल गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मीरा बघेल से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रुपेश, अभी तक यही बात सामने आ रही थी कि कोरोना का कोई भी इलाज नहीं है, अब स्थिति में किस तरह से मरीज को इलाज दिया जा रहा है? देखिए, इसका इलाज नहीं है लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत रखा जाए जी। और शरीर जो है खुद ही इसका इलाज करता है अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो, क्योंकि चीन से लेकर के जर्मनी तक के केसेस को अगर देखें तो बड़ी संख्या उन लोगों की है जो इससे रिकवर हुए हैं। बॉडी को, चूंकि ये वायरस अटैक है और बॉडी आपकी अच्छी रहेगी तो इसका इलाज संभव है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री लगातार तमाम बैठकें लेकर के तमाम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ये हवा के संक्रमण से नहीं फैलती है बीमारी, इस बीमारी को फैलने के लिए कोई मीडियम चाहिए तो हाथ न मिलाएं और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें, अपने आसपास के इलाके को सैनिटाइज करते रहें। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बंगला भी सैनिटाइज किया, खुद
मेयर अजय शेबर ने खड़े होकर के। जी रुपेश, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की भी इसमें जरूरत है, क्योंकि लोग इसको लेकर इतने जागरूक नहीं हैं, और साथ ही लोगों ने ये मान लिया है कि अगर कोरोना होता है तो वो इंसान जीवित नहीं रहेगा। देखिए जाहिर तौर पर जागरूकता लगातार चलाई जा रही है अभियान, और सरकार की तरफ से कई तरह के कैंपेन भी चलाए गए हैं पैनिक ना। चलिए रुपेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, और अब राजधानी रायपुर में कोरोना का एक मरीज जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद लगातार इलाज किया जा रहा है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, कोरोना वायरस